हेलो एवरीवन, नमस्कार. दिस इज़ अंशुल भट्ट, योर फ्रेंड एंड एस्पिरेंट फॉर एवर. एंड एज यू रिमेंबर, लाइक आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, दैट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स पेपर. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स पेपर. तो मैंने आपको शुरू की दो तीन जनरल स्ट्रैटेजी तो उस पेपर में बता दी थी, तो वी विल नाउ कम टू मच स्पेसिफिक पॉइंट्स. तो कई लोग बोलते हैं कि तीन राउंड्स में पेपर करना चाहिए, पेपर एक राउंड में करना चाहिए या पेपर दो राउंड में करना चाहिए. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू, बट व्हाट वर्क्ड फॉर मी, आई वुड से कि पहले जैसे ही पेपर आता था, पेपर जैसे ही घंटी बजी तो पेपर खुला, तो एक बार मैं उसको अच्छे से नहीं, एक बार उसको एकदम ऐसे कर्सरी रीडिंग, मतलब एकदम जल्दी 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 ऐसे मैं स्क्रॉल कर लेता था कि मैं पूरे पेपर से फेमिलियर हो जाऊँ. ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा और हल्का हल्का देख लिया कि कभी होता है ना, कीवर्ड्स इन्वायरमेंट का कोई कीवर्ड दिख गया, पॉलिटी का दिख गया, प्लेसेस इन न्यूज़ दिख गया, तो उससे ये लगता था कि हमने एक बार पेपर के हॉलिस्टिकली उसका देख लिया. और कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन आते हैं हम एकदम से देख लेते हैं, तो हमें लगता है हाँ ये क्वेश्चन आते, तो हमारे माइंड में एक प्रेशर नहीं बनता कि पता नहीं आगे क्वेश्चन में आते होंगे या नहीं आते होंगे, शुरू के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. तो पहले मैं ऐसे करता था. उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बात करी राउंड्स की, नंबर ऑफ इटरेशंस, तो कई लोग एक करते हैं दो करते हैं. व्हाट आई पर्सनली डिड, आई यूज टू डू थ्री राउंड ऑफ इटरेशंस. तो उसमें पहले राउंड में जो मुझे क्वेश्चंस अच्छे, मतलब अच्छे से बताते, जैसे 90, 100, 80, 90, 100% जिसमें मैं श्योर होता था, उन क्वेश्चंस को मैं मार्क कर देता था. फिर एक बार वो करने के बाद मेरे ख्याल से 30-35 क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाते थे जो मुझे आते थे. उसके बाद फिर मैं सेकेंड राउंड शुरू करता था. तो सेकेंड राउंड में मैं क्या करता था, सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगते थे कि 70, 60, 50, 60, 70, 80% जो मुझे लगता था आई वॉज श्योर श्योर अबाउट दोज क्वेश्चंस, फिर मैं वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था. और फिर थर्ड राउंड में जो क्वेश्चंस मुझे 50% से कम लगते थे, तो मैं वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था. और जिस क्वेश्चन में आई एम ओनली 10% और 20% श्योर, आई यूज टू लीव दोज क्वेश्चंस. तो ऐसे मैं थ्री राउंड में पेपर अटेम्प्ट करता था. एंड इफ आई टॉक अबाउट सी सैट, तो सी सैट में मेरी पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी. सी सैट में शुरू के 1 hour 10 minutes आई यूज टू डू मैथ्स. उसके बाद जितना टाइम बचता, जैसे 50 minutes फिर आरसी के लिए बचते थे, इन दो 50 minutes आई यूज टू डू आरसी. अगर बाई चांस आरसी जल्दी खत्म हो गया, लाइक 40 minutes और 45 minutes, तो उसके बाद मैं फिर से मैथ्स के क्वेश्चन करता था. सो दिस इज हाउ आई यूज टू अटैम्प्ट दी माई सी सैट पेपर. तो जैसे आप थ्री राउंड में या आप एक राउंड में या दो राउंड में जैसे भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उसके बाद वी हैव टू कम टू दी OMR. तो OMR में हमको क्या करना है, OMR में यू नो रोल नंबर वगैरह तो आप लोग फिल कर लेते हैं. आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग द रोल नंबर एक्सेट्रा, क्योंकि कई बार आई हैव सीन इन माय ओन क्लास कि बच्चे वो गलत भर देते हैं. उसके बाद फिर वो कई भी ब्लेड मांग रहे हैं कि हमें हटाना है, या फिर हम पेन इरेजर मांग रहे हैं. और इनफैक्ट क्योंकि उस टाइम स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा बच्चे एंग्शियस रहते हैं, तो वो हो जाती है, गलती हो जाती है. तो और अगर आपने वो गलती से कर दिया तो आपको पता लगेगा अरे मेरे रोल नंबर गलत भर दिया, तो आप और ज़्यादा एंग्शियस हो जाओगे और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे. तो आप शुरू में ही वो चीज़ करने से बच जाओ, तो आपका वो जो फालतू का स्ट्रेस है वो बच जाएगा. तो दिस रिमाइंड्स मी कि OMR आंसर्स की OMR कैसे भरनी है आपको. तो आपको आंसर्स की OMR जो यूजुअली मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कई बार ना सारे पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा देते हैं, उसके बाद OMR भरते हैं. तो फिर क्या होता है ना, कई बार अगर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो सारी सीरीज बिगड़ जाती है और आपके ना सारे क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो जाते हैं. तो मैंने देखा है कई बार, एक दो मेरे फ्रेंड्स भी थे तो बता भी रहे थे. इनफैक्ट सी सैट में भी शायद मैंने एक क्वेश्चन ऊपर नीचे मार्क कर दिया था, तो उससे मैं काफ़ी मतलब स्ट्रेस में आ गया. मैंने सोचा कि अरे यार वैसे ही नंबर बनती नहीं है सी सैट में, और मैंने शायद एक क्वेश्चन ऊपर नीचे मार्क कर दिया. तो आपको ऐसा नहीं करना, आप मैं मतलब सजेस्ट करूँगा, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन मैं ऐसे करता जैसे चार क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, तो फिर चार क्वेश्चन की OMR बढ़ दी फर्स्ट राउंड में. फिर फर्स्ट राउंड में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चार पाँच क्वेश्चन में कर रहा हूँ पेज वाइज, तो फिर उसी लगे हाथ ऐसे ऐसे OMR भर दे रहा हूँ. तो इससे क्या होता है ना कि आपको फिर बाद में भी ऐसे समय नहीं वो करना पड़ता, आप जल्दी जल्दी भरते रहते हो, आपको गलत भी नहीं होता. तो दिस इज़ व्हाट आई डिड, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू ऑल्सो डू दैट. एंड नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. व्हाट आई यूज टू डू प्रीवियसली, आई यूज टू अटेम्प्ट सम 90-95 क्वेश्चंस, लेकिन क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ आया था ना, आई कुड सेंस दैट व्हेन आई वाज सिटिंग इन द पेपर, तो आई अटेम्प्टेड ओनली 80-85 क्वेश्चंस. तो यू हैव टू बी यू नो वेरी क्विक, वेरी यू नो क्विक टू जज, एंड यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल वेन एवर यू सी द क्वेश्चन पेपर, एंड यू हैव टू यू नो जज एट दैट टाइम ओनली. फॉर एग्जाम्पल यू नो यू आर जस्ट सिटिंग ओवर द प्रीलिम्स, यू गेट अ पेपर, सो यू विल हैव टू सी कि पेपर टफ है और लोग भी शायद कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, एंड नाउ हैव टू वर्क ऑन माई एक्यूरेसी, सो यू कैन यू अटैम्प्ट अ लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 80-85.
बट यू थिंक दैट योर एक्यूरेसी इज़ नॉट दैट ग्रेट, सो यू कैन यू नो गो फॉर अ लिटिल मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. और ये भी है, फिर आपको पता है कि ऐसे भी नहीं कि आपने 60 क्वेश्चंस करे, आपको पता है इन द 60 क्वेश्चंस आपकी एक्यूरेसी अच्छी भी रही तो यू कैन नॉट मेक थ्रू, तो हो सकता है आपको बढ़ाना ही पड़े, 80 के आसपास आपको रखना ही पड़े. तो आई वुड सजेस्ट कि 85 से ऊपर तो क्वेश्चंस करो, और उसके बाद फिर आप यू नो जस्ट सी हाउ योर एक्यूरेसी इज, उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चंस करो. तो ये या जीएस अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये हो ही गया है. लेकिन मुझे एक बात करनी थी कि मतलब आप हम लोग देखते हैं कि हम लोग जीएस का पेपर सिर्फ एक दिन का देखते हैं, या मतलब उन 3 घंटे का देखते हैं, 2 घंटे का देखते हैं, दो कि 2 घंटे इधर और 2 घंटे इधर. तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, जो क्रूशियल मेक और ब्रेक टाइम होता है ना जीएस प्रीलिम्स का, तो वो 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है. तो उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि इनफैक्ट आई हैव सीन दैट फर्स्ट हैंड, इनफैक्ट आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, तो उनका क्या होता है 1 हफ्ते पहले से ना थोड़ा सा एंग्शियस से होने लग जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है. तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ा होता, कुछ मतलब आपके सामने बुक्स है, आपको पता है आपको पढ़ना है, और आपको ये भी पता है कि प्रीलिम्स आ जाएगा, मुझे रिविजन करना है, इतना इतना मेरे रिविजन के लिए बचा हुआ. लेकिन आप ना बैठे रहोगे, आपके सामने किताबें खुली रहेगी, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे. और उसकी जगह क्या करते हैं बच्चे, ऐसे रोल ये होता है ना रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, ऐसे 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 लगातार रोल करते रहते हैं, और तीन चार घंटे के स्क्रोल करने के बाद ना फिर उनको वो हो जाता है, गिल्ट हो जाता है कि अरे यार मैं तो 3 घंटे वेस्ट कर दिए, 4 घंटे वेस्ट कर दिए. तो ना आपको मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 7 दिन पहले एग्ज़ाम से बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं. इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 7 दिन पहले आप 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन आई नो कई बार एंग्शियस स्ट्रेस की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते. तो आपको उस वजह से इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि बिल्कुल आप फेयर बिल्कुल पैरालाइज हो जाओ फेयर से. तो मैं तो कहूँगा कि यू नो उस टाइम स्पेशली डू अ लिटिल एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा योगा करो. योगा भी ना आप नहीं करना, प्राणायाम आई वुड से कि कर लो, और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज. तो उससे क्या होगा, जितनी अंदर की एंगजाइटी होती है वो सारी बाहर आ जाती है, और फिर आप ना फोकस होकर पढ़ो. अगर आपसे नहीं भी पढ़ा जा रहा ना, इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7 दिन में पढ़ के आप यू कैन चेंज द गेम. वो होता है कि आपने 1-2 साल से आप पढ़ ही रहे हो, यू नो यू थोड़ा ग्रेट बैकग्राउंड नॉलेज, तो आप कवर कर लोगे. तो इतना टेंशन मत लो अगर, क्योंकि आप उन 7 दिनों में टेंशन लोगे ना, दैट टेंशन विल शो अप ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एंड इट विल रूइन योर पेपर. और इसी से मुझे याद, हाँ, और आपको मतलब लास्ट के 7 दिन आई वुड सजेस्ट कि मॉक्स ना ही लगाओ, अब फोकस मोर ऑन रिविजन रिविजन रिविजन. तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू डू, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट, बट दैट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. और फिर से मुझे याद आया कि मैन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल स्टेट, तो वट यू डू बिटवीन द जीएस पेपर एंड द सीसैट पेपर, यू नो दैट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी टाइम होता है. और उस टाइम मैंने देखा एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं फिर मतलब मैंने देखा कि धूप धूप में बैठे रहते हैं नीचे ग्राउंड में बैठ गए. तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इफ़ यू कैन टेक अ रूम फॉर 3, मतलब बीच के टाइम के लिए थोड़ा वहाँ पे रेस्ट कर लो. बट इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इफ़ दैट इज़ नॉट फीसिबल, आई वुड सजेस्ट कि आप जाके ना छाव में बैठो, और उस टाइम आपको रिविजन करना है आप कर लो सी सैट का रिविजन. लेकिन इतना भी मत करो कि बिल्कुल आप रिविजन में घुस जाओ और मतलब इधर उधर नकार दो सब चीज़ें. तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे आप बैठे छाव में बैठ गए या किसी पार्क में बैठ गए, उसके बाद ना थोड़ा मतलब ऐसे डी स्ट्रेस हो जाओ, थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो देख लो, थोड़े गाने सुन लो थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए थोड़ा फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो थोड़ा अच्छे से. उसके बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी. तो उससे क्या होगा ना, एकदम से ऐसे रेजुविनेट से हो जाओगे, थोड़ा मतलब माइंड और शार्प और फोकस हो जाएगा. तो मतलब अगर आप मतलब कैफीन से आपको पसंद नहीं है कैफीन, तो मतलब डोंट डू दैट, बट यू नो इफ़ यू आर टॉलरेंट टू इट या आपको मतलब ठीक ठाक लगता है, तो यू कैन हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी. एकदम से आपको रेजुविनेटेड सा लगेगा एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन योर सी सेट एग्जाम. क्योंकि क्या होता है ना, हम जब जीएस का पेपर लिखते हैं ना, माइंड मतलब इतना थक जाता है, उसके बाद सी सैट के फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, स्पेशली मैथ्स वाले या रीजन वो आरसी वाले, पढ़ने का मन ही नहीं करता. तो मैं तो ये कहूँगा कि ब्लैक कॉफ़ी फिर पी के जाओ एग्ज़ाम में, एंड यू विल सी द डिफरेंस. बल्कि ये मतलब अगर मुझे कुछ एक्सक्लूसिव आपको टिप देनी होगी, तो मैं यही कहूँगा कि सी सैट के एग्ज़ाम से पहले ब्लैक कॉफ़ी पी लेना, तो इट विल रियली हेल्प यू. इनफैक्ट मेंस के एग्ज़ाम से पहले भी आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, क्योंकि उसमें भी ना काफ़ी थक जाता है इंसान, तो लिखते 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 लिखते, तो कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी विल ऑलवेज हेल्प यू. उसके बाद आई थिंक वॉट वी कैन टॉक अबाउट इज हाउ मेनी मॉक्स टू गिव. इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन माई प्रीवियस वीडियो, बट जस्ट टू गिव यू ना लिटिल समथिंग ऑन दैट, आई वुड से कि 7 दिन पहले आप मॉक्स देना बंद कर दो. उससे पहले यू कैन ऑलवेज गिव ऐसे एक एक मॉक दे दो, हफ्ते में 4 या 5 बार. तो दिस इज़ द हाउ आई यूज टू डू, कि मैं बैठा नहीं जाता था मुझसे ज़्यादा देर तक मॉक से. तो आई यूज टू गिव 50-50 क्वेश्चन के मॉक्स, कि 50 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन के मॉक होते हैं ना, मैं 50 क्वेश्चन के मॉक देता था सुबह सुबह, एकदम उठते ही सुबह सुबह 50 क्वेश्चन के मॉक देती है. जो मुझे नहीं आता वो एक बार देख लिया कि क्या क्या मैंने गलती करी है. और फिर सिमुलेशन, अगर आपको सिमुलेशन वाले मॉक्स देने, तो आई वुड सजेस्ट कि 4 दे दो, 4 इन द सेंस 4+4 8, दैट इज़ 4 GS, 4 CS, 3 SAT, अगर आप घर से बाहर निकल के दे रहे हो. ऐसे होते हैं ना कि टेस्ट सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पर देते हैं, तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, आई वुड सजेस्ट 4 बहुत होते हैं यार.
क्योंकि फिर बार बार आप बाहर जाओगे पूरा पूरा दिन लग जाता है, तो इतना भी दिन वेस्ट मत करो, 4 दे दिए बहुत है। बाकी यू कैन गो सिट इन साइड द होम और ऑनलाइन दे दो, मतलब दिस इज़ हाउ यू यूज टू डू बाहर। तो बल्कि मैंने सिमुलेशन वाले दिए ही नहीं कभी बाहर जाके, मैंने तो घर से ही करा सारा। तो मैं कहूँगा आप भी वैसे करो दैट इज़ पॉसिबल। और उसके बाद ना वो होता है यार, सेक्शंस होते हैं ना पेपर में, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो आपने मतलब फैसले तो फैले रहते हैं लेकिन रहते हैं ऐसे ना सेक्शन, आप मतलब देख देख सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो साइंस एंड टेक वाला सेक्शन होता है और जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है ना उस पर अच्छे से फोकस करो। तो इसमें क्या होगा ना, क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री तो सब करते हैं लेकिन दैट इज़ समथिंग यू नो यू कैन वो दैट कैन गिव यू एन एज। तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक वाला ऑप्शन अच्छे से कर लेना। और इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ना, तो हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री के आप क्वेश्चन देखोगे ना, बच्चे पढ़ते नहीं उनको थोड़ा डर लगता है मेडिवल हिस्ट्री से, लेकिन आप क्वेश्चन देखोगे ना कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बट दी ऑप्शन आर सो सिंपल कि आप मतलब एक बारे में उसको सही कर दोगे और मतलब काफ़ी अच्छा उससे एडवांटेज मिल जाता है। तो मैं कहूँगा कि फिर ना आप मतलब वो मेडिवल हिस्ट्री के हो गए ऐसे डरो मत सेक्शन से अलग अलग ना, तो आप मेडिवल हिस्ट्री भी अटेम्प्ट करो, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। और हाँ, सिली मिस्टेक्स आप बिल्कुल मत करो, दैट इज़ वाई सेड कि मॉक्स की यूटिलिटी होती है ना, वो सिली मिस्टेक्स आप ना करो कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि सिली मिस्टेक्स कैसे करते हैं बच्चे, कभी नॉट होते हैं ना कि विच ऑफ द ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, तो वो नॉट नहीं पढ़ेंगे कई बार आजकल, क्योंकि आपने देखा कि ऑप्शन बहुत ट्रिकी से आ रहे हैं, कि ऑप्शन होते हैं फिर ऑप्शन के ऑप्शन होते हैं जो कि हमें मार्क करने पड़ते हैं ओ एम आर में, कि वन पेयर इज करेक्ट, टू पेयर इज करेक्ट, थ्री पेयर इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो एक बार उसको ढंग से पढ़ लो, और ऐसा भी ना हो कि आपने कुछ गलत ही पढ़ लिया पेपर में या आपने ओ एम आर में गलत जगह फिल कर दिया। तो दीज आर द सिली मिस्टेक्स दैट यू शुड बी वेरी अबाउट। उसके बाद ना आई वुड से कि मैं तो क्या करता था, मैं तो पीछे से शुरू करता था पेपर, लेकिन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट, कि आपको आगे से करना है शुरू या आपको पॉलिटी वॉलिटी जहाँ से भी शुरू करना है दैट इज़ योर चॉइस। और इसमें ना यार एक चीज़ काफ़ी आ रही है कि दो चीज़ दो क्वेश्चन है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन इन योर 50-50% श्योर। तो अगर मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसे आपने 70-80 क्वेश्चन कर लिए हैं पहले से, 80-85 क्वेश्चन गुड एक्यूरेसी के साथ, उसके बाद आपको अटैम्प्ट करना है 50-50, तो आप यू कैन यू नो ईजिली डू दैट। लेकिन आपका मतलब क्वेश्चन ही कम अटैम्प्ट हुए हैं, आपको मतलब 50-50% करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन कि आपको कट ऑफ में नाम लाना है, तो आपको लाना ही लाना है, तो 50-50 आपको करनी पड़ेंगे। तो यार वॉट आई यूज टू डू ना, आई यूज टू ट्रस्ट माई गट फीलिंग, क्योंकि होता है ना कभी हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है और वो एक हमारे सबकॉन्शियस में रहता ही है। इनफैक्ट काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी गई है इसमें, वो मैल्कम ग्लैडवेल ने भी एक तो बुक्स लिखी थी, आई थिंक डेनियल कानमैन ने भी एक बुक लिखी थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, मैल्कम ग्लैडवेल ने तो स्पेशली इसी के बारे में लिखी थी, शायद ब्लिंक है उस बुक का नाम, आई एम नॉट रियली श्योर, इट हैज़ बीन यू नो क्वाइट फ्यू ईयर्स। तो उसमें कहते हैं यू हैव टू गो विथ योर गट फीलिंग, आपके दिमाग में वो आंसर रहता ही हमेशा हमेशा, और तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। और यार मैं बताऊँ अब यार देखो, जिंदगी में भी और मतलब एग्जाम में भी यू नो यू हैव टू यू व्हेन यू कम टू क्रॉस रोड यू नो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। 50-50 यार रिस्क तो हर जगह ही रहता है, इनफैक्ट जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, आप एग्जाम देने भी जाते हो ना बस में बैठ के या गाड़ी में बैठ के, रिस्क तो उस टाइम भी रहता है, लाइफ का रिस्क रहता है उस टाइम। तो यू नो तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क, और आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा इन लाइफ एंड इन एग्जाम। तो आपको 50-50 आता हो तो अगर आपके नंबर बन गए यू कैन लीव इट, बट अगर नहीं बन रहे हैं देन यू विल हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। और ना एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो मेरा फ्रेंड ही पूछ रहा था, इनफैक्ट मुझे बोल रहा था कि यार सब बोल रहे हैं कि यार ये क्या कहते हैं यार लॉजिकल से ही हो जाता है, हमने तो मेटा एनालिसिस करा हुआ पेपर का, डी ऑल ऑफ द अबव वाला हमेशा से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अगर नेम आ जाए तो ये होता है और नंबर आ जाए तो शायद नंबर गलत होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब 50-20-25 ट्रिक्स उसने बता दी कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है ऐसा होता है। मैंने ये 25 ट्रिक याद करने से अच्छा मैं स्पेक्ट्रम ना याद कर लूँ। और यार मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ट्रिक्स का यार इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा यार ट्रिक्स लगाओगे तो वो ट्रिक्स दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे फेल मिजरेबली, कुछ कुछ जगह सही हो जाएंगे लेकिन यार वो एक ना पैटर्न नहीं बनता। ऐसे तो मैं भी बना दूंगा कि ओ एम आर देखो तुम मैंने ऐसे फिल करी है, तो अगर देखोगे ना ऐसे सांप वाला डिज़ाइन बन रहा है ओ एम आर शीट पर, मैं ऐसे भी ट्रिक्स बता सकता हूँ। लेकिन यार आई थिंक ट्रिक्स और ये होते हैं ना कि लॉजिकल कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो आई थिंक दीज आर द शॉर्टकट्स हुज अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव टू फॉलो यू मे फॉलो, बट इफ आई हैड टू सजेस्ट आई वुड से डू नॉट गो बिफोर शॉर्टकट्स, डू नॉट गो आफ्टर शॉर्टकट्स, बिकॉज यू नो इट विल ओनली टेक यू टू रूइन। तो मैं ये कहूँगा कि आप शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, आप पढ़ा आप एक्सेलेंस के बोला रणछोड़ दादा बोले रणछोड़ दास बाबा रणछोड़ दास की शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। ऑल द वाला इट माइट साउंड अ लिटिल फनी बट यू नो दिस इज द अल्टीमेट फिलोसफी, दिस इज द अल्टीमेट वो ये लाइफ सूत्रा और लाइफ मंत्रा। सो आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी खींच गया, तो आई थिंक आई एल जस्ट लीव यू विद दिस एंड स्पेशली विद दिस लाइफ मंत्र ऑफ बाबा रणछोड़ दास। ओके सो इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दैट वॉज अंशुल भट्ट साइनिंग आउट।